हाजरीन, अल्परसलान के अगले आने वाले एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि अल्परसलान और उनके सिपाही ग़ार के अंदर मौजूद होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें रास्ता मिल जाता है और वो रास्ता बहुत छोटा होता है और वो उनसे आसानी से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने कोशिश करके उस रास्ते को और उस सुराख को बड़ा किया ताकि वो आसानी से वहां से बाहर निकल सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान तो अल्परसलान, वाज सरदार, मीर अली और गवर्नर के कमानोस और अल्पा गोद भी इनके साथ होते हैं। तो दीवार अल्प कह रहा था कि सरदार, ये सुराख तो बहुत कम है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो तमाम के तमाम लोग उस सुराख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक गवर्नर का कमानूस उनसे कह रहा था कि जल्दी करो, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, कि हम यहाँ से जल्द जल्द बाहर निकल जाएं। और वो कह रहा था कि अल्पा को जल्दी करो, पत्थर हटाओ और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक जगह पर शहजादा रति और उनके सिपाही, उन लोगों ने एक सिपाही को पकड़ा होता है और रोमन ट्यूजन और उनके सिपाही भी उनके साथ ही मौजूद होते हैं और वो जंगल में एक जगह पर खड़े होते हैं। और शहजादा रति ये अपने सिपाही कमांडर के साथ उसे एक अलग जगह पर ले जाता और उसे कह रहा था कि बताओ बतार, तुमने किस तरह अल्परसलान और उनके सिपाहियों की मदद की, बताओ, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें इसे जान से हाथ धोने पड़ेंगे, तुम बताओ कि तुमने गद्दारी क्यों की। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन तुजन कह रहा था कि आप इसे सच मत उगवाएं, बल्कि इसे मार दें, अब हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही इसके ना होने का, अब आप इसे जाने दें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादा रति उस सिपाही को बंदी बना लेता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर के कमानोस, अल्परसलान, अल्पागोज, अमीर अली और दीवार वाल्प आहिस्ता आहिस्ता सुराख बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो एक दूसरे का साथ देते हुए तमाम के तमाम लोग उस गार से बाहर निकल आते हैं और अल्पागोज और रोमन ट्यूजन भी यह सारा मंजर देख रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अल्परसलान अपने तमाम के तमाम सिपाहियों से कह रहा था कि क्या आप ठीक हैं। तो इस पर तमाम सिपाही कहते हैं कि हम ठीक हैं। और दूसरी तरफ गवर्नर का कमानोस वो भी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी जान भी बच गई थी और वो अल्पागोज को शाबाश दे रहा था और वो कह रहा था कि आपने हमारी मदद की अल्पागोद, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद देखते हैं कि अल्पागोद अल्परसलान से कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, कि आप हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मीर अली कह रहा था कि अगर हाँ आपको नुकसान पहुँचाना चाहते तो फिर आप कभी भी यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते थे, और अगर हम आपको जाने दे रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई
यहाँ पर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुलेमान और दीवार वाल पर और आवाज़ सरदार अभी भी गार के अंदर मौजूद होते हैं और वो मदद के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो सुलेमान को वहाँ से बाहर निकाल सकें। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार के अंदर बहुत देर हो चुकी होती है लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया होता और तमाम के तमाम सिपाही गार के अंदर होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन्होंने मिशाल जलाई होती हैं ताकि उन्हें कुछ नज़र आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान को काफ़ी शदीद दर्द हो रही थी और उसकी टांग ज़ख्मी होने की वजह से वो बहुत चिल्ला रहा था और उसे बहुत दर्द और तकलीफ़ महसूस हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त अल्परसलान के सिपाही वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि रस्सी की मदद से सुलेमान को बाहर निकाला जाता है। बड़ी मुश्किल के साथ सुलेमान को रस्सी की मदद से बाहर खींचा जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बार बार पौर आवाज़ सरदार भी उनके साथ ही होते हैं और वो भी रस्सी की मदद से उनको वहाँ से बाहर खींच रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अल्परसलान गवर्नर के कमानोस और अल्पागोज ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वास सरदार भी खौफ ज़दा हो जाते हैं कि सुलेमान बहुत जख्मी है और इसको यहाँ से बहकर कैसे बाहर निकाला जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अल्पागोज और गवर्नर के कमानोस भी ये सारा मंज़र देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर के कमानोस कह रहा था कि अगर इस सिपाही से नहीं निकला जाता तो आप यहाँ से चले जाएं, हम इसकी वजह से हम यहाँ नहीं रुक सकते। तो ये बात सुनकर अल्परसलान और उनके सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है। अल्परसलान कह रहा था कि ये मेरा भाई है और अगर इसके जगह कोई और भी होता और हमारा सिपाही तो हम किसी सूरत भी इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाते। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी देर और मुश्किल के बाद अल्परसलान और उनके सिपाही बहुत कोशिशों के बाद सुलेमान को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अमीर अली को गवर्नर के कमानोस पर बहुत गु़स्सा आ रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़ोर लगा कर सुलेमान को बाहर खींचा जा रहा था। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अल्परसलान उनके सिपाहियों में बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और अल्पागोज भी इनके लिए बहुत परेशान था लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं तो अल्पागोज भी बहुत खुश हो जाता है और ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार सुलेमान गार से सही सलामत बाहर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि ये गार के बाहर आने के बाद बहुत तकलीफ में थे और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि घर के अंदर बम फटने की वजह से उनकी टांग पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सिपाही कह रहे थे कि सरदार सब्र रखें, हम बहुत जल्द कबीले जाएंगे और आपका। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि सीन के यहीं पर काम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।